हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड, दिस इज योर आईसीटी लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 5 फॉर्मेटिंग विथ एमएस वर्ड। एक्सरसाइज है फर्स्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। टू बीइंग टाइपिंग ऑन अ न्यू लाइन प्रेस द डैश की। अगर हमें न्यू लाइन टाइप करनी है तो हमें एंटर की प्रेस करनी है, तो इसका आंसर है एंटर। नेक्स्ट वन है बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मेट टू द टेक्स्ट यू नीड टू डैश द सिलेक्शन और पार्ट टू द टेक्स्ट दैट यू विश टू चेंज सिलेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस टेक्स्ट को अगर हमें उसको फॉर्मेट करना है, साइज बढ़ानी है, बोल्ड करना है, तो उसके पहले हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या है, सिलेक्ट। थर्ड वन है बाय डिफॉल्ट द लाइन स्पेसिंग इज अ सेट अ एट डैश। बाय डिफॉल्ट लाइन की, लाइन के बीच में की जो स्पेस होती है वो कितनी होती है, 1.15 इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितनी होती है, 1.15। नेक्स्ट है फोर्थ वन, टू रिमूव द बुलेट और एंड द बुलेट लिस्ट क्लिक ऑन बुलेट बटन। अगर हमें बुलेट को रिमूव करना है या फिर लिस्ट को एंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, बुलेट बटन पे क्लिक करना पड़ता है, तो इसका आंसर है बुलेट। बी है लेबल द डिफरेंट ऑप्शन। हमें एरो दिए तो उस ऑप्शन को लेबल करना है, नेम लिखना है। तो फर्स्ट एरो देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है, फॉन्ट दिया है, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, फॉन्ट। सेकेंड देखिए, साइज दिए तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फॉन्ट साइज। थर्ड एरो पे हमें ए दिया है, बिग ए कैपिटल में, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रो फॉन्ट। फोर्थ वन है छोटा ए दिया है, ए कैपिटल में दिया है पर साइज उसकी स्मॉल है, तो उसे क्या बोलते हैं, श्रिंक फॉन्ट। नेक्स्ट वन है फिफ्थ, एक कैपिटल ए दिया है, एक स्मॉल ए दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज केस। सिक्स वन देखिए, यहाँ पे हमें एक बॉक्स में दो ए दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। सेवन एरो देखिए, ए दिया और उसके बैकग्राउंड पे मतलब नीचे लाइन दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। कलर करने के लिए हमें अगर इस एरो पे क्लिक करते तो हमें कलर डिस्प्ले हो जाएंगे। एट देखिए, ए बी और एक पेंसिल जैसा आइकॉन दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करने का कलर यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। नाइन देखिए, शैडो में हमें एक ए दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट। टेन एक्स टू दिया है, एक्स स्क्वेयर, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। इलेवन में एक्स का एक्स लिखा है और नीचे टू लिखा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ट्वेल्थ नंबर में देखिए, ए बी सी लिखा है और उसके ऊपर ब्लैक लाइन दी है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीक थ्रू। थर्टीन यू है, यू मतलब अंडरलाइन। फोर्टीन में आई दिया है, आई मतलब इटैलिक। फिफ्टीन में बी दिया है, बी मतलब बोल्ड। तो इस तरह आपको ये लेबल करना है और उसके नेम लिखना है। नेक्स्ट है सी, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2-3 सेंटेंस ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑप्शन फाउंड अंडर द चेंज केस आइकॉन। हमें ऑप्शन एक्सप्लेन करने हैं, चेंज केस आइकॉन के अंदर कौन से ऑप्शन होते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन चेंज केस आइकॉन, जब हम चेंज केस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड्स सच एज सेंटेंस केस ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है लोअर केस, थर्ड वन अपर केस, फोर्थ है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस ऑप्शन। जब भी हम चेंज केस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देंगे, सिलेक्ट सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ये ऑप्शन ओपन हो गए। यू कैन क्लिक एनी कमांड विच यू वॉन्ट टू यूज़, और हमें जो यूज़ करना है, अगर हमें अपर केस करना है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं,
कैपिटल करना है ईच वर्ड, तो वो ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द वर्ड रैप फ्यूचर। वर्ड रैप इज अ फ्यूचर ऑफ MS वर्ड विच ऑटोमेटिकली मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इफ द वर्ड डज नॉट फिट ऑन द सेम। तो वर्ड रैप एक फ्यूचर है जो ऑटोमेटिकली कर्सर मूव करता है अगर वो वर्ड वहाँ पे फिट नहीं होता है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ और यहाँ पे वर्ड फिट नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं वर्ड रैप फ्यूचर। क्वेश्चन थर्ड है एक्सप्लेन द फोर वे टू अलाइन टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो टेक्स्ट को अलाइन करने के चार टाइप होते हैं, तो वो कौन से वो एक्सप्लेन करने। फर्स्ट देखिए क्या है, लेफ्ट, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। अगर हमें लेफ्ट मार्जिन में सिलेक्टेड टेक्स्ट अलाइन करने हैं तो हम ये लेफ्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते। नेक्स्ट है सेंटर, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। अगर हमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रखना है पेज के, तो हम सेंटर का ऑप्शन सिलेक्ट करते। थर्ड वन है राइट, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन। अगर हमें राइट में टेक्स्ट रखना है तो हम राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करते। नेक्स्ट है फोर्थ वन जस्टिफाई, जस्टिफाई, तो ये क्या करते हैं, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट टू राइट मार्जिन। जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर किया है वो लेफ्ट और राइट मार्जिन में सेट करने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन हम सिलेक्ट करते, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ वन है एक्सप्लेन हाउ यू विल डिफरेंशिएट when to use bullet list as a again a numbered list। हमें bullet list और numbered list को explain करना है। तो bullet list क्या होती है, bullets are symbol that are added before each paragraph or line of text, you can select bullet from available list। तो bullet में क्या होते हैं, symbol और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर हमें कुछ लाइन्स टाइप सेंटेंस टाइप करने हैं तो हमें बुलेट सिलेक्ट करना होता है जो हमें चाहिए। नंबर लिस्ट, यू कैन क्रिएट नंबर लिस्ट बाय यूजिंग द नंबरिंग ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब, यू कैन ऐड नंबर टू टेक्स्ट। अगर हमें नंबर ऐड करना है तो हम नंबर लिस्ट से नंबर ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को, नंबर वन, नंबर टू, इस तरह। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंशिएट करना है, बुलेट में हम सिंबल या सिंबल ऐड करना है या फिर लेटर ऐड करना है तो हम बुलेट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और नंबर ऐड करने के लिए हम नंबर लिस्ट सिलेक्ट करते हैं। तो आपका इस लेशन का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।